अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने दूसरे ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले ट्यूटोरियल्स पे आपके कमेंट से मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई और आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स की वजह से मुझे ये ट्यूटोरियल्स बनाने में मज़ीद खुशी होती है और मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। आज की इस ट्यूटोरियल में मेरा इरादा है कि सबसे बेसिक चीज़ जो कि इंस्टॉलेशन है, कुछ लोगों ने सवाल भी किया था कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, तो उसके ऊपर मैं फोकस करूँगा ताकि आपको क्विक और इजी स्टेप्स में मैं बता सकूँ कि किस तरह से आपने जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में मेंशन किया था कि दो बेसिक टूल्स हैं, फ़ोटोशॉप और ड्रीमवीवर। तो आइए सबसे पहले इनकी इंस्टॉलेशंस देखते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे इन टूल्स की पेरेंट वेबसाइट पे, जो कि है adobe.com यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लिस्ट भी बताई है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम किस तरीके से हम चलेंगे। adobe.com से हम जिस जो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ये एक लीगल मेथड है। यहाँ पे हम डाउनलोड्स में जाके इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ड्रीमवीवर 6 और ये सारे सॉफ्टवेयर, ड्रीमवीवर इनका वर्जन 6 जो है अभी बिल्कुल लॉन्च हुआ है। यहाँ से डाउनलोड इजी भी है आपके लिए, और लेकिन इसमें एक जो मेन मसला है वो ये है कि ये आपको ट्रायल वर्जन डाउनलोड करना होगा, और ये वाला वर्जन सिर्फ 30 दिन के लिए चलता है, उसके बाद आपको ख़रीदना पड़ेगा। क्योंकि ये ट्यूटोरियल्स पाकिस्तान में मोस्टली पाकिस्तानियों के लिए, या जो लोग उर्दू सीख रहे हैं, जिन लोगों को उर्दू आती है उन लोगों के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये इतने महंगे सॉफ्टवेयर ख़रीद सकते हैं, इसलिए हमें दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा, क्योंकि ख़रीदना हम लोगों के लिए मुश्किल है और वैसे ही सॉफ्टवेयर बहुत महंगे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जो कि कहलाता है टोरेंट सॉफ्टवेयर। मैं तो यूज़ करता हूँ एक साइट जिसका नाम है filehippo.com। यहाँ से मैं मोस्टली फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, यहीं पे वो टोरेंट सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होगा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये इनमें से मैं यू टोरेंट जो है यूज़ करता हूँ। जब आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपके पास एक इस तरह का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये वाला, चूँकि आप गालबन विंडोज़ यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये सिनेरियो, लेकिन ऑलमोस्ट द सेम। इसके बाद आपने जो है फाइल्स डाउनलोड करनी है जो कि आपके सॉफ्टवेयर हैं। आप उसके लिए गूगल सर्च कर लें, जैसे ड्रीमवीवर CS6, क्योंकि अभी भी आया है तो गालबन उसका क्रैक अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए CS5 जो है वो बेस्ट सर्च है। अब ये मैंने पहले कुछ ट्राई किए हैं, इसमें से आप किसी भी लिंक पे क्लिक करें, और जो सबसे ज़्यादा अहम बात है यहाँ पे नोट करने की वो है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स पढ़ें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जिन लोगों ने ये चीज़ पहले डाउनलोड की है उन लोगों से ये फाइल्स चली हैं कि नहीं।
तो मैंने जिस तो ये पढ़े हैं कमेंट्स, और ये जैसे इसने कहा हुआ है कि इट वर्क्स थैंक्स, और भी कई लोगों ने कहा हुआ है, वेरी नाइस स्टूडेंट। तो इसमें कुछ टोरेंट्स में कुछ मसले मसाइल भी होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा एक अहम मसला ये है कि अक्सर अवकात जो है ना साइट्स अच्छी नहीं, वो इश्तहारात अच्छे नहीं आ रहे होते, तो ये मजबूरी है जिनसे हमें जो है ना इसका कोई सलूशन नहीं है मेरे पास। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप काफ़ी टाइम लगा के फ़ाइल डाउनलोड करते हैं और फ़ाइल जो है वो कोई और निकलती है या फिर वो सही चलती नहीं है, तो ये एक और मसला है। और तीसरा ये कि डाउनलोड में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। टोरेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो भी आपकी फ़ाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं वो बहुत सारे और लोगों के पास भी मौजूद होती है, ये उन सब लोगों से थोड़ा थोड़ा उसका हिस्सा जो है ना डाउनलोड करता है, तो इस वजह से स्पीड इस पर इतनी अच्छी नहीं आती है और ये स्लो डाउनलोड होता है। लेकिन हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है मेरे ख्याल में वो सबके लिए ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके पास पैसे हों तो आप ज़रूर प्रॉपर तरीके से उसको बाई करें। डाउनलोड के बाद हमें इन दोनों को, दोनों सॉफ्टवेयर्स को, जो कि सॉरी पहला सॉफ्टवेयर ड्रीम वीवर और दूसरा सॉफ्टवेयर वो भी इसी तरह से आपने डाउनलोड करना है, फोटोशॉप CS5। जब ये दोनों आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इन्हें क्रैक करना होगा ताकि ये सॉफ्टवेयर्स जो है हमेशा आपके कंप्यूटर पे चलते रहें। तो उसको क्रैक करने के लिए CS5 वेरियंट का जो तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अक्सर डाउनलोड्स के साथ आपको फाइल्स मिल जाती हैं बकायदा कि भाई ये फ़ाइल आप रन कर लें तो वो चल जाएगी, लेकिन कुछ में जो है हमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर करना होता है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस विंडोज़ के फ़ोल्डर के अंदर, System32 के फ़ोल्डर के अंदर ड्राइवर्स का फ़ोल्डर ओपन करेंगे, वहाँ पे ETC का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपको एक फ़ाइल मिलेगी, उसका नाम होगा होस्ट फाइल। होस्ट फाइल को आपने राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर मोड में रन करना है, और ये लिखा हुआ होस्ट फाइल रन करने के बाद उस फाइल में आपने कुछ एडिशंस करनी होगी। ये एडिशंस जो हैं दिन ब दिन चेंज होती रहती हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब आप वो डाउनलोड करेंगे जो भी टोरेंट फाइल, उसके साथ ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, तो ये वाली एडिशंस जो हैं ये आप उस फाइल में कर दें। उसका फ़ायदा ये है कि एडोबी जो है उनका सॉफ्टवेयर ड्रीम वगैरह फोटोशॉप, ये बार बार ना इन URL से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन गेट करते हैं कि भाई ये वाली कॉपी रजिस्टर्ड है, ये वाली कॉपी सही है कि नहीं, तो जब आप ये एंट्री कर देते हैं तो वो इन URL से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो एडोबी अक्सर अवकात अपने ये URLs नए भी रिलीज़ करता रहता है, और बाज़ अवकात और भी इनमें कोई चेंजेस करता रहता है, तो इसलिए ये लिस्ट अपडेटेड होनी बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपकी कॉपी को कुछ है पायरेटेड डिक्लेयर करके और आपके कंप्यूटर पे से ये सॉफ्टवेयर बंद कर देता है। तो ये मेन तरीका है इसकी इंस्टॉलेशन का और उसके बाद उसको क्रैक करने का। अगर तो आप इन दोनों तरीक़ों को फॉलो नहीं कर सक रहे या आपको ये फाइलें नहीं मिल पा रही, तो फिर आखिरी तरीका जो मेरे पास है वो ये है कि आप मुझसे रब्ता करें कमेंट के ज़रिए या किसी और तरीके से। तो एक सॉफ्टवेयर होता है ड्रॉप बॉक्स के नाम से, मैंने कई दफ़ा लिंक भी शेयर किया इस वीडियो के साथ, भी लिंक शेयर कर दूँगा, dropbox.com इनका लिंक है, उसका मैं आपको अपना रेफरल लिंक दूँगा, और ताकि आप जब रजिस्टर करेंगे तो मुझे भी इसकी आएगी मेल के बेस में रजिस्टर किया, और आप फिर मुझे बताइएगा अपनी आईडी, तो मैं ये फाइल्स खुद से आपको शेयर कर दूँगा जो कि क्रैक्ड फाइल्स हैं। वैसे तो ये बिल्कुल ही इलीगल है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे पास कोई और तरीका है इसको सॉल्व करने का।
इन बातों के साथ आज की इस वीडियो का अख्तिताम करता हूँ मैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है कि इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ मैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।